तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ स्पार्क्स के टॉप 5 बाइक स्नीकर्स जिनके जो प्राइस रेंज है वो 500 से 1000 रुपये के बीच में रहेगी। साथ ही में इनके जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहेगी एंड ओवरऑल जो लुक है वो भी बहुत बढ़िया आने वाला है इन स्नीकर्स का। तो कौन से गाइस ये टॉप 5 स्नीकर्स, चलिए देखते हैं। तो टॉप 5 के लिस्ट पर गाइस नंबर 5th पे है स्पार्क्स के SM750 स्नीकर्स, जो कि लुक वाइज बहुत ही बढ़िया स्नीकर्स मुझे लगता है। इसमें गाइस आपको पूरा जो वाइट स्नीकर है वो देखने को नहीं मिलेगा, हल्का सा आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलने वाला है इन स्नीकर्स में। ब्लैक अगर आप देखते हो गाइस तो बैक साइड में हल्का सा जो ब्लैक कलर का पैच है उसका यूज़ किया हुआ है एंड साइड पे यहाँ पे आपको स्पार्क्स की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर में एंड दो स्ट्रिप ब्लैक कलर के, बाकी पूरा जो स्नीकर है वो आपको व्हाइट कलर में ही देखने को मिलेगा। अपर में गाइस यहाँ पे आपको सिंथेटिक मटेरियल का जो यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा एंड आउटर सोल में यहाँ पे PVC मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। ओवरऑल गाइस ये जो स्नीकर्स है वो अच्छे और प्राइस रेंज इसकी जाती है गाइस 700 से 900 रुपये के बीच में। अगर आप सेल में बाय करोगे तो कम प्राइस में मिलेंगे, नहीं तो गाइस ऑफ सीजन में जब सेल नहीं रहता तो आपको ये जो स्नीकर्स है वो 800-900 रुपये के आसपास जो है वो मिल सकते हैं। नंबर 4 पे है स्पार्क्स के SM747 स्नीकर्स। ये जो स्नीकर्स है ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और ऐसा हो भी सकता है कि किसी किसी को ये जो स्नीकर्स है वो आने वाले स्नीकर्स से और भी ज़्यादा अच्छे लगे, बट जब मैंने इन्हें अनबॉक्स किया था और पूरा रिव्यू वीडियो बनाया था तो तब मुझे कुछ जो चीज़ें वो इनकी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए ये जो है वो नंबर 4 पे है। तो कौन सी वो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्नीकर्स है वो देखने में बहुत ज़बरदस्त है, लुक जो है वो इन स्नीकर्स का बहुत बढ़िया आता है। मेनली आपको यहाँ पे 3 कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इन स्नीकर्स में मिल जाएगी, एक है इस ब्लैक एंड वाइट, फिर सेकेंड है इस ग्रे एंड व्हाइट एंड थर्ड है ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है, जिसमें मुझे ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो बहुत बढ़िया लगता है, लुक वाइज बहुत बढ़िया है एंड इसमें आउटर सोल में भी जो PVC मटेरियल का यूज़ है वही किया हुआ है एंड आपको ऑलमोस्ट सभी स्नीकर्स में आउटर सोल में PVC मटेरियल जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट इसका जो अपर मटेरियल है इसमें मुझे जो कुशन है वो फील नहीं हुआ, क्योंकि जो आने वाले स्नीकर्स है उसके अपर मटेरियल में एक जो कुशनी इफेक्ट है वो आपको फील होगा, जिससे ओवरऑल जो स्नीकर्स है वो और भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और इसमें गाइस मुझे जो फिटिंग है उसमें भी हल्का सा जो प्रॉब्लम है वो लगा, इसलिए गाइस ये नंबर 4 पे। बट अगर आपको भी ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे जो स्नीकर्स है वो पसंद है तो आप इनके लिए ज़रूर जा सकते हो। इसमें बहुत बड़े ऐसे फ्लॉज नहीं है जिसकी वजह से आप इनको बाय ही नहीं कर सकते हो, बस हल्के से जिनकी वजह से ये जो है वो 4th नंबर पर, क्योंकि आने वाले स्नीकर्स इससे भी बेटर मुझे लगे इसलिए ये 4th नंबर पर। ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो बढ़िया है, डिटेल रिव्यू देखना है तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे स्पार्क्स के SM323 स्नीकर्स, और ये स्नीकर्स गाइस ऐसे स्नीकर्स है जो कि आपने किसी ना किसी के पास जो है वो ज़रूर देखे होंगे, और ये गाइस ऐसा बोला भी जाता है कि एडिडास की जो कॉपी है उसके जैसे पूरा ये जो स्नीकर है वो देखने को मिलता है। आप देख सकते हो गाइस साइड में यहाँ पे आपको 4 जो स्ट्रिप है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है। फ्रंट में गाइस यहाँ पे आपको हल्का सा जो रबर मटेरियल का टाइप जो है वो प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो और भी ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टेड हो जाते हैं फ्रंट से, और इजीली ये जो है वो ख़राब भी नहीं होते, इसको आप इजीली वॉश भी जो है वो कर सकते हो। इसमें भी गाइस आपको PVC मटेरियल का जो आउटर सोल है वो देखने को मिल जाएगा एंड इसमें गाइस जो बैक सोल के पैटर्न है वो थोड़े डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे, बाकी स्नीकर्स में आपको ऑलमोस्ट सेम पैटर्न देखने को मिलेंगे, इसके जो बैक साइड के पैटर्न है वो थोड़े अलग है एंड ये जो स्नीकर्स है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक आप इन स्नीकर्स का जो यूज़ है वो कर पाओगे एंड लुक वाइज ये जो स्नीकर्स है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इन स्नीकर्स को भी आप बाय कर सकते हो, इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 900 के आसपास मिल जाएगी जब सेल वगैरह नहीं रहता है, बट जब सेल रहता है तब गाइस आपको 600-700 इसके आसपास भी ये जो स्नीकर्स है वो मिल सकते हैं। ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो बढ़िया है, अगर आप बाय करना चाहते हो और कुछ ऐसा लुक चाहिए तो इनके लिए आप जो है वो जा सकते हो। तो अभी टॉप 5 की लिस्ट में बचे गाइस बस 2 स्नीकर्स, और ये जो 2 स्नीकर्स है गाइस ये मेरे पर्सनल फेवरेट है और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नीकर्स लगते हैं। तो नंबर 2 पे है स्पार्क्स के SM439 स्नीकर्स। ये जो स्नीकर्स है वो मेनली आपको सोल्ड आउट ही देखने को मिलेंगे और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। अगर आप देखते हो गाइस साइड से इन स्नीकर्स को तो यहाँ पे गाइस आपको जो सिंथेटिक पैचेस है वो भी देखने को मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पे मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। इनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, इजीली आप इन स्नीकर्स को वॉश कर सकते हो एंड स्पेशली स्नीकर्स में ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम है वो आता है, क्योंकि यहाँ पे होल्स वगैरह नहीं होते तो पसीना आ जाता है पैर में, बट यहाँ पे मैश का यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, तो ये इनकी स्पेशलिटी है। आउटर में भी यहाँ पे आपको जो PVC मटेरियल का जो यूज़ है वो देखने को मिल जाएगा, लुक वाइज स्नीकर्स बहुत बढ़िया है। तो ये गाइस हमारे 2nd नंबर के स्नीकर्स, मुझे ये स्नीकर्स बहुत बढ़िया लगते हैं, अगर आप लेना चाहते हो व्हाइट स्नीकर्स तो आप इन स्नीकर्स के लिए जो है वो जा सकते हो। तो अभी तक गाइस मैंने आपको 4 स्नीकर्स बता दिए, इनकी भी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, बट अभी जो आने वाला स्नीकर्स है जो कि नंबर 1 पे है, इसकी जो क्वालिटी गाइस वो नेक्स्ट लेवल पे, और लुक वाइज भी जो स्नीकर्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये गाइस स्पार्क्स के SM734 स्नीकर्स,
एंड आप देख सकते हो गाइस ओवरऑल लुक वाइज ये जो स्नीकर्स है वो कितने बढ़िया है। अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेनली आपको पूरा जो स्नीकर है वो व्हाइट में देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो ग्रे कलर में की हुई है। जो अपर में गाइस यहाँ पे आपको जो डॉटेड पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा एंड इसका जो अपर मटीरियल है गाइस वो कुशन इफेक्ट आपको जो है वो देने वाला है। एंड ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिटिंग की भी अगर बात करें तो गाइस इन स्नीकर्स में आपको बहुत ज़बरदस्त जो फिटिंग है वो मिलने वाली है। आउटर सोल में यहाँ पे पीवीसी मटेरियल का ही जो यूज़ है वो किया हुआ है, बट ओवरऑल पूरे जो स्नीकर्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगे। साथ ही में यहाँ पे आपको जो लेजर्स की होल्स रहती है वहाँ पे आपको कैप्स भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल जो मटेरियल अपर में यूज़ किया है जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिससे गाइस लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे इन स्नीकर्स का जो यूज़ है वो कर सकते हो। साथ ही में जो टंग पे स्पार्क्स की ब्रांडिंग की है वो भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो ओवरऑल गाइस ये जो स्नीकर्स है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए इन टॉप 5 स्नीकर्स में से। एंड इन स्नीकर्स के लिए आप जो है वो ज़रूर जा सकते हो एंड उनको बाय कर सकते हो। जब आप फिजिकली इन स्नीकर्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी जो क्वालिटी है वो कितनी बढ़िया है एंड ओवरऑल ये जो स्नीकर्स है वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस ये मेनली जो है इनकी 900 के आसपास जो है वो प्राइस है, बट अगर आप सेल में देखोगे तो ये 600 650 700 के आसपास जो है वो मिल जाएंगे। एंड इस प्राइस पर अगर आपको ये स्नीकर्स मिलते हैं तो ये जो डील है गाइस ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी एंड एक वर्थ डील जो है वो आपके लिए रह सकती है। तो ये थे गाइस स्पार्क्स के टॉप 5 स्नीकर्स। अब ये जो पांचों स्नीकर्स है ये बहुत अच्छे हैं, बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से लुक वाइज जो स्नीकर है वो बाय करना है, क्योंकि मेनली गाइस सभी स्नीकर में आपको अपर में सिंथेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, आउटर में आपको जो पीवीसी मटेरियल है वो देखने को मिलेगा, बस लुक एंड जो फील है वो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा एंड जो फिटिंग वगैरह उसमें आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग गाइस मैंने आपको 5 से लेकर 1 तक जो स्नीकर्स है वो बता दिया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से स्नीकर्स बाय करना है, मैंने तो आपको रेकमेंड कर दिया। साथ ही में अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो, आपको अगर डिटेल में पूरा रिव्यू देखना है और देखना है कि इन स्नीकर्स का वेट ओवरऑल वगैरह कितना है, कैसे पूरी क्वालिटी वगैरह फ्लेक्स किया तो क्या क्रीजेस आती है नहीं आती है, तो इसके ऊपर सभी का डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर देख लेना। आपको ओवरऑल पूरा डिटेल जो आइडिया है इन सभी स्नीकर्स का जो है वो आ जाएगा एंड फिर ईजिली आप अपना जो डिसीजन है वो ले पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना गाइस, होप्स आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड कमेंट्स में ये भी बता देना कि आने वाले वीडियोज़ में आपको कौन से शूज़ या फिर स्नीकर्स की अनबॉक्सिंग वीडियो है वो देखना है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू वीडियो में।